इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर लाइव नाउ, खबर विस्तार से मुजफ्फरपुर नाउ। हम हैं मुजफ्फरपुर सिटी स्टेशन पे। अब देख सकते हैं 5 रुपया लेता है पेशाब करने का और 10 रुपया लेता है बाथरूम जाने का, इसीलिए कितना आदमी बाहर ही पेशाब कर देता है। तो गंदगी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ही दलाली चोरी हो गया है। 5 रुपया और 10 रुपया बाथरूम का होना चाहिए क्या, आप लोग बताइए, बहुत ही गलत हो रहा है कि नहीं। यहाँ पे तत्काल टिकट का कोई व्यवस्था नहीं है। मुजफ्फरपुर सबसे कमज़ोर माना गया है। आज हम यहाँ पे मुजफ्फरपुर में आए हैं और यहाँ पे तत्काल टिकट का कोई व्यवस्था नहीं है। हम आपको बता दें, प्लेटफॉर्म टिकट मिलना शुरू हो गया है, लेकिन तत्काल का सेवा अभी तक उपलब्ध नहीं है। देखिए यहाँ पे जो भी है बुकिंग काउंटर, लेकिन कोई तत्काल सेवा यहाँ पे उपलब्ध नहीं है। देखते हैं आगे जा रहे हैं, एक काउंटर और है रिजर्वेशन काउंटर, तो उधर मैं जाके देखता हूँ, होता है तो मैं आप सभी को मैं सूचित करूँगा कि वहाँ पे टिकट मिलता है या नहीं। मालगोडाउन की तरफ मैं जा रहा हूँ, पार्सल घर की तरफ। मुजफ्फरपुर में हूँ मैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा हूँ, क्योंकि रिजर्वेशन काउंटर भी शायद हमको लग रहा है कि बंद है। फिर भी मैं चेक कर रहा हूँ, लेकिन लग रहा है कि लॉक है, दरवाज़ा बंद है। देखिए आप सब देख सकते हैं कि तत्काल टिकट बंद है, यहाँ पे बंद हो चुका है। अगर आपको कल का टिकट चाहिए तो यहाँ पे पर्ची टांगा हुआ है जिस पे आप अपना नाम लिख सकते हैं, उसके बाद आपको यहीं खड़ा होना पड़ेगा, तत्काल टिकट नहीं मिलेगा।